हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स मैजिकल पिटारा में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आप सबके लिए एक नई रेसिपी। तो आइए चलिए देखते हैं हमारी रेसिपी क्या है। हम अपनी इस रेसिपी के लिए सबसे पहले ये दो तरह की चटनी बना लेते हैं, एक ये खट्टी मीठी चटनी और एक मिर्ची अदरक लहसुन की चटनी, जो हमारी रेसिपी में की जान है। ये चटनी हमने पहले भी शेयर कर रखी है और वीडियो के नीचे भी इसकी लिंक हमने शेयर कर रखी है। अब हम ये चटनी बनाते हैं जो अदरक लहसुन हरी मिर्च की चटनी। इसमें हम नमक डाल देंगे, पानी नहीं डालेंगे, इसकी चटनी हम बना लेते हैं। हाँ, तो देखिए हमने अदरक मिर्च लहसुन को पीस के हमने ये चटनी बना ली है। हमने इसमें पानी नहीं डाला है, इसमें हमने सरसों का तेल ऐड किया है और ये हमारी खट्टी मीठी चटनी जो हमने आपको बताया था, अभी हमने इसको बनाया था पहले से ही, क्योंकि इसकी लिंक हमने वीडियो में शेयर कर रखी है। ये चटनी भी हमारी एक हफ्ते तक चल सकती है और ये जो हमने अभी बनाया है मिर्ची लहसुन अदरक की चटनी, ये भी एक हफ्ते तक चल सकती है। तो आइए चलिए देखते हैं हमारी आगे की रेसिपी क्या है। वीडियो को हमारी आखिरी तक देखते रहिए। ये देखिए हमने मुरमुरे ले रखे हैं, हमारे मुरमुरे बहुत ही क्रिस्पी हैं। और ये हमने पूरी ले रखी है जो हमने घर में ही बनाया है। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हमारी रेसिपी क्या है। तो चलिए आगे और हम बनाते हैं। इसमें हम ये चने की दाल डालते हैं। इस चने की दाल को हमने आधे घंटे तक भिगो के रखा था, उसके बाद हमने इसको 10 से 15 मिनट तक पंखे की हवा में सुखा लिया है और फिर हमने इसको फ्राई कर दिया है। तो इसमें हम ये चने की दाल डाल लेते हैं और ये हमने कॉर्नफ्लेक्स फ्राई करके रखा है, इसको भी हम इसमें डाल लेते हैं। ये हमने सेव बनाया है घर में ही बेसन से। ये हमने मूंगफली ले रखी है, मूंगफली भी हम इसमें डाल लेते हैं। और ये हम बारीक कटी हुई प्याज हम इसमें डाल देते हैं। हमने इसमें ये टमाटर भी डाल दिया है जो बहुत ही बारीक कटा हुआ है। हरी धनिया की पत्ती हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च हमने डाला है। ये हम थोड़ा चाट मसाला इसमें ऐड कर रहे हैं और ये हमने लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। और अब हम ये जो हमने हरे मिर्ची लहसुन अदरक की चटनी बनाई है उसको भी हम डाल लेते हैं। अगर आपको ये हमारी भेलपुरी जो है गीली खानी है तो आप ये चटनी ज़्यादा डालिए, नहीं तो बहुत ही थोड़ी सी ही डालिएगा। और अब हम ऊपर से इसमें ये नींबू निचोड़ देते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम भेलपुरी की रेसिपी आपके संग शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, ये चौपाटी की भेलपुरी है और इसको आप खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको। अब तक आपको देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। आप चाहें तो इसको चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथ से मिक्स करने से बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। गर्मी का सीज़न चल रहा है, बच्चे घर में ही रहते हैं, आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, उनको कुछ न कुछ हर समय खाने के लिए चाहिए होता है। तो हमारी इस रेसिपी को आप ट्राई करिए, ये बच्चे बूढ़े सभी को बहुत पसंद आएगा। हाँ, तो देखिए हमारी ये चटपटी तीखी भेलपुरी तैयार है। इसमें हम ये थोड़ा बारीक वाला सेव डाल देते हैं, इसको भी हमने घर में ही बना रखा है। और ये हमने पूड़ी भी इसमें लगा दिया है, इससे ये हमारी भेलपुरी हो गई। हमारी इस रेसिपी को आप ट्राई करिएगा और कमेंट करके हमको बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। और हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल मॉम्स मैजिकल पिटारा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।